सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, इससे पहले मैंने तीन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसके वीडियो लेक्चर अपने चैनल में डाल रखे हैं, तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम चार और पाँच संख्याओं के वर्गमूल निकालना 5 से 10 सेकंड में सीखेंगे और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और उसके बाद हम लोग इकाई अंक देखते हैं। तो 1 का 1 और 9, 4 का 2 8, 5 का 5, 6 का 4 6 और 9 का 3 7 है। इसका अच्छे से एक्सप्लेन मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में करा है, वहाँ पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो आप एक बात को याद रखिए, इकाई अंक मतलब जो उत्तर में जो उत्तर आएगा उसकी इकाई इकाई में 1 या 9 होगा। अगर क्वेश्चन की इकाई में 1 होता है तो उत्तर की इकाई में 1 या 9 होगा। अगर क्वेश्चन की इकाई में 4 होता है तो उत्तर की इकाई में 2 या 8 होगा। अगर प्रश्न की इकाई में 5 है तो उत्तर की इकाई में 5 होगा। अगर प्रश्न की इकाई में 6 है तो उत्तर की इकाई में 4 और 6, इसी प्रकार हो जाएगा। 2, 3, 7 और 8 परफेक्ट स्क्वायर है इसका। इस मेथड से हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दो दो का जोड़ी बना देते हैं। अब 4 का देखते हैं। तो 4 का इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट तो 2 और 8 है। अब यहाँ पे 60 को लिख देते हैं। अब देखिए 60 किसके बीच में लाई कर रहा है, तो 49 और 64 के बीच में। यहाँ देखिए 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, मतलब कि इसका हम लोगों को स्क्वायर लेना है, नियरेस्ट स्क्वायर लेना है, मतलब कि इससे छोटा वाला स्क्वायर लेना है, इससे ज़्यादा मत जाए। तो देखिए यहाँ पे 7 स्क्वायर यहाँ पे 49 आ रहा है, लेकिन 8 स्क्वायर 64 चला जा रहा है, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो 7 लिए हैं उसको इसके आगे में लिख देते हैं। अब देखिए चेक करना है कि इतना पता चल गया तो हमें आंसर कौन सा है दोनों में से, इसको चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले यहाँ 7 को लिखे, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब उसी जो 8 है उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 8 7 56। तो यहाँ देखिए ये 60 है जो हमें प्राप्त हुआ, कितना है, 56 है, मतलब कि ये संख्या बड़ी है, मतलब कि जो भी दोनों में हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जो बड़ी संख्या है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 78 आंसर आ जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1225। तो इसमें भी हम लोग जोड़ी बना लेते हैं। सबसे पहले जोड़ी बनाने के बाद इसमें इकाई अंक देखते हैं, तो 5 है। तो 5 का क्या होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 का इकाई अंक 5 होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे 12 को लिख लेते हैं। अब 12 देखते हैं किसके बीच में लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 9 और 16 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें नियरेस्ट स्क्वायर लेना है और इससे छोटा लेना है 12 से, तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 को यहाँ लिख दीजिए, तो यहाँ पे 35 आ गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, कोई और संख्या डबल नहीं है इसका कोई यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे 35 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5184 का, हमें वर्गमूल निकालना है जो ALP 2018 में पूछा गया था। तो इसको भी दो दो का पेयर बनाइए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 के यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 2 और 8 हो जाएगा। अब 51 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए 51 यहाँ पे किसके बीच में लाई कर रहा है, 49 और 64 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे नियरेस्ट इसका स्क्वायर 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 का लिख दीजिए। फिर वही मेथड करना है, 7 में 1 जोड़ना है तो 8 आ गया, फिर उसमें 7 को मल्टीप्लाई करना है तो 56 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 51 छोटा हो गया किससे, 56 से, मतलब कि जो छोटा है उसको आंसर लेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यहाँ देखिए अब 5 संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इससे पहले 4 संख्याओं का हमने बता दिया है, अब 5 संख्याओं का वर्गमूल सबसे कम समय में कैसे निकाले इसको आइए देखते हैं। अब हम लोग 5 संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको 2 का जोड़ा बनाइए, फिर इसका इकाई अंक क्या है देखिए यहाँ पे, तो 6 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 और 6। अब इसको 510 को यहाँ लिख दीजिए और देखिए चेक करिए कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 484 और 529, मतलब कि 22 को लेंगे, यहाँ पे नियरेस्ट स्क्वायर 22 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 को लिख दीजिए। अब चेक करना है कि दोनों में से आंसर कौन सा होगा, तो 22 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, फिर उसमें 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 506 आ गया। अब देखिए यहाँ पे चेक करिए 510 और 506 में बड़ा कौन है, तो ये है, मतलब कि जो भी हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 226 आंसर है। दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 64009 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे 2 का पेयर बना देते हैं। अब 9 का देखते हैं, 9 का क्या होगा यूनिट डिजिट, तो 3 और 7,
और यहाँ पे 640 को लिखते हैं। अब देखिए 640 किसके बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ देखते हैं 640, 625 और 676 के बीच में लाई कर रहा है, तो 25 इसका हो जाएगा क्या, नियरेस्ट स्क्वायर। अब देखिए 25 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में चेक करना है कि छोटा आंसर होगा या बड़ा आंसर होगा, तो उसके लिए क्या करना है, 25 में एक ऐड करना है, तो कितना हो गया 26 गुणित 25 कर देंगे, तो कितना आ गया 650 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 640, तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया, जो छोटा है वो आंसर होगा, मतलब कि 253 आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस बैंक पीओ 2006 में आ चुका है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ लिख लेते हैं क्लियर, 9216, इसको डिवाइड कर देते हैं। अब 16 में देखते हैं तो 6 का क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 और 6। अब यहाँ पे 92 को लिखते हैं, 92 किसके बीच में लाई करेगा, देखिए 92 हमारा किसके बीच में लाई करेगा, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, मतलब कि नियरेस्ट क्या हो जाएगा, तो 9 स्क्वायर। अब 9 स्क्वायर आ गया, तो इसको 9 को यहाँ पे लिख दीजिए, चेक करना है हमें कि कौन सा इसमें से सही होगा, तो 9 में एक ऐड कर दीजिए तो 10 हो गया, गुणित 9, 10 निया 90। अब यहाँ पे देखिए 92 बड़ा हो गया 90 से, मतलब कि जो बड़ा वाला है वो आ गया इसमें आंसर, एक आंसर हमको मिल गया यहाँ पे 92, यहाँ पे एक आंसर 92 मिल गया, प्लस दूसरा निकालना है, दूसरा क्या दिया है 12544। तो देखिए यहाँ पे अब कैसे करना है, इसको दो का पेयर बना लीजिए, और चार का देखिए चार का कितना हो जाएगा, तो चार का हो जाएगा 2 और 8, अब आ गया 125। 25 किसके बीच में लाई करेगा, 11 और 12 के बीच में लाई करेगा, तो इसका नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा, 11, तो यहाँ पे 11 को लिख दीजिए, 11 में एक ऐड करना है आंसर को चेक करने के लिए, तो 12 हो जाएगा, गुणित फिर 11 करेंगे तो 132 हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ मैं, तो 12 11 में 132 आ जाएगा, आ गया वहाँ से, और यहाँ पे 125 दिया गया है, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये 132, मतलब कि जो छोटा वाला है वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे 112 लिख दीजिए। अब 112 और 92 कितना हो जाएगा, तो 208, और यही हमारा आंसर है। दोस्तों क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी ये ऐसे इजी ट्रिक्स आसानी से सीख पाए, जिनसे उन्हें भी हेल्प हो जाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल।